गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का कबूतर उड़ाकर डीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। गाजीपुर 69वीं जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह 2022 का शुभारंभ पीजी कॉलेज मैदान में मंगलवार को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। यह दो दिवसीय कार्यक्रम 15 व 16 नवंबर तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में शांति का प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाकर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा के उपरांत खेल भावना के प्रति सच्ची निष्ठा एवं अनुशासन हेतु शपथ दिलाए एवं झंडारोहण किया। तत्पश्चात उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई मार्च पास की सलामी ली। जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह 16 विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं में प्रतिभाग कर अपने हुनर की पहचान कराई, जो सराहनीय रहा। जिलाधिकारी ने जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह में आयोजित कार्यक्रम देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने संबोधन में कहा कि स्कूली वर्ष में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ बहुआयामी विकास के लिए खेल और कला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल से केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं बल्कि सेहत के साथ आपके चरित्र का भी निर्माण होता है। खेल हमें अनुशासित रहना सिखाती है, क्योंकि खेल को खेलने एवं खेल में बने रहने के लिए अनुशासन की बहुत ही आवश्यकता होती है। अनुशासन ही है जो अपने जीवन में ढाल लेता है, वो आगे चलकर जीवन के संघर्ष में हमेशा विजयी होता है। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज जिस स्पृत से इस कार्यक्रम के शुभारंभ में अपने अपने कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया है वो प्रशंसनीय है और आगे चलकर सिर्फ मंडल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक अंक पाकर प्रथम स्थान पर रहे, यही कामना है। समारोह के अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बहुत सारे बच्चों ने अपने हुनर का प्रयोग किया, उनके हुनर को देखते हुए क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा है। ये 69वीं जनपदीय खेल कुल प्रतियोगिता है बेसिक शिक्षा की, और मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी मंडल प्रतियोगिता होगी, उसमें हम चाहेंगे कि जनपद के बच्चे फर्स्ट आएँ और आगे प्रदेश में भी नाम रोशन करें। सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को इस सुंदर आयोजन के लिए धन्यवाद।